तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं न्यू घर का वीआईपी किचन, जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। तो चले जी, आपको किचन दिखाते हैं, आप सबने साथ रहना है। हाँ भी मुंशी का क्लास फेलो। कैसी है ये गली और हवा कैसी है? सब छोड़ो, इतनी ठंडी हवा। अब यहाँ पे चार पाई डाल के ना बंदा सो जाए ना, तो उसको होश भी नहीं होगा दुनिया जान का, ना रात को ना दिन को। ओ सदके मुश्ताक दे रिहाना, रुखसाना, फरजाना, जनाना, वेलकम वेलकम शहीना, ईद आ गई, ओ मेरा यार नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे घर की सफाई जो है ना वो हो चुकी है यहाँ पे देखे, और छत पंखे टोटल जो है ना इधर ये देखे। सुबह सुबह का टाइम है जी, माशाल्लाह से सबको गुड मॉर्निंग हो गई, और सुबह सुबह जो है ना वो सभा लेने जा रही है पतीसा। सभा जो है वो पतीसा लेने जा रही है, जैसे बचपन में बच्चे जो है ना वो शाय के दाने लेते थे ना, ये देखे इसने ये जो है ना उठा के जा रही है। अच्छा मैं भी समझूं कि क्यों मेरी गंदम जो है ना वो कम होती जा रही है, आप पतीसा ले रही थी। हाँ, समझ गया समझ गया, याद आ रहा था। हाँ जी बचपन याद आ रहा, चलो क्यों ना याद किया जाए बचपन को। अच्छा ये कल इन्हें धोई थी जी। इनका जो है ना रिजल्ट अब काफी बेहतर नजर आ रहा है, थोड़ी सोनी लग रही है वो भी, ये भी। अच्छा ये भी बिछा दी, ओए होए होए, मैं सदके थी वहाँ, ये देखें जी अब ऐसे लगता है जैसे न्यू बिछी हुई है जी। और ये हमारा बेडरूम होता था किसी ज़माने में, तो अब जो है ना ये हमारा वैसे सोने वाला बेडरूम है, लेकिन ये देखें नीचे आप बिछा के। रोज़ रोज़ वो सभा कहती थी ना, और बल्कि नहीं, रोज़ रोज़ कमेंट्स आते थे कि आप जो है ना वो ऊपर सोते हैं, फलां नीचे सोता है, फलां नीचे सोता है, इस तरह ना बातें होती थी। तो चले जी हम भी नीचे सो गए, आप सब खुश हो ना। देखो मैंने आपके इस तरह का एड्रेसेस कहा था, कितनी अच्छा। प्यारा लग रहा है, जाके और कलर ले लिया। क्यों? एक तो इसी तरह का ले लेते हैं। ये किसका है? मैं लिया जैन बेटे का। अच्छा देखते हैं। अब्बू का भी इसी तरह का है ना? हाँ अब्बू का भी इसी तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं, ये मतलब मैं पहनने को ले लूं, पहनने को पहन लूं, लेकिन ये घंटे बाद ऐसे लगेगा कि मैला कुछ चला, दाग लग जाते हैं ना सफेद है। फूत तो है ना? फूत को छोड़ो, वो सूट पहना जो मैला ना हो, मैं इसलिए मैंने नहीं लिया सफेद सूट से ना, मुझे वो है कि ये ना जल्दी मैले हो जाते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, यार आजकल कहाँ मैले होते हैं? होते हाँ गाड़ी में होता हूँ रोज, मैं चले ना रेंट पे, बता किराए पे गाड़ी चले ना, हर टाइम गाड़ी में होता हूँ। मेरे भी प्रेस हो गए ऐसे जैसे ये हुआ तीनों सूट, मैंने कहा था ना मैले कुछ है, आप ये धुल गया, आप कितनी वीआईपी हो गया। चल चाह जो शायद दाने घेरना, पतीसा पतीसा लेने नहीं जा रही मैं, मठोस में जा रही। हाँ चाह चाय बनाओ, वो मिस्त्री मांगने वाले हैं तकरीबन। एक सूट नहीं है पसंद। कौन से वाला? वो जो नरम नरम है। हाँ। वो तो ऐसे लिया ना गर्मियों के लिए, बाकी दो सूट तो काटन वाले हैं ना, चंगे हैं ना, वापसी आके ना फिर प्रेस हुए ना तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो दर्जी ने भी ऐसे कहा, कहते वो वाला ठीक है, ये वाला पसंद नहीं है। मैंने कहा यार मैंने ना गुजारे लैक लिया, वो पता कितने का लिया, वो लिया था मैंने 1500 का, जो सब कह रहे हैं पसंद नहीं है। यार नरम सूट लिया वो मैला नहीं होगा यार, एक एक हफ्ता 10 दिन भी पहनोगे ना, अरे 10 दिन भी पहनोगे ना ऐसे लगेगा कि अभी पहना है। हाँ जी, ओ सदके मुश्ताक दे रिहाना, रुखसाना, फरजाना, जनाना, वेलकम वेलकम शहीना, उनको पता इधर ही खाना मिलेगा। हाँ चले जी, चले 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 चले। हाँ जी डालो जी डालो, ओए होए होए, रिहाना जी साइड ते होके खाओ। मुश्ताक तू बंदा बन जा, बंदा बन के खा मुश्ताक। पूरी है, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ पूरिया हैं जी, हूँ बंद कर, थक नहीं पी खुद खत्म। शाम को हाँ, अभी इधर आप ना पहले, सबसे पहले जो है वो खुशखबरी के लिए
थोड़ी सी निगाह मार के अंडा देख लो खुड्डी में। नहीं अंडे नहीं है, अंडे शाम को देख तक है ना, देखने में क्या है। अंडे नहीं है, बोलो तो है। नहीं है ना। मैंने कहा शायद बैठने में मसला है इसलिए नहीं देख। मैंने देखा था जी तंदूर पे रोटी आपने बनाई थी। हाय क्या मौसम है। वो ऐसे हो जाता है कभी कभी, वो ना चिपक सी जाती है। आप ना इस तरह किया करो कि नमक शमक लगाया करो। नमक शमक था वो ना, तंदूर है थोड़ा छोटा। हाँ तो अम्मी वालों ने भी अपनी रोटी बनाई है तो फिर हमने बनाई है, फिर इसी वजह से आखिरी रोटी का सेक नहीं बचा। वो सेक क्या होंगे मतलब कि आग। आग हाँ, आग लगाऊंगा मैं। ये जी आज पानी देने वाले हैं और हमारा ग्रासी प्लाट फिर कुछ ना कुछ गंजा मुंजा हो रहा है। पता नहीं क्या है, मैं जब भी आती हूँ कोई ना कोई पौधा टूटा होता है। बस आज का दिन है, सब बर्दाश्त कर ले। आज मिस्त्रियों की छुट्टी, काम की छुट्टी, घर हमारा कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों पोर्शन कंप्लीट और सबको छुट्टी हो जाएगी। अब ये अच्छी खासी हो रही थी ये देखो। अच्छा तोड़ दिए सारे। ठीक किया जी सबो। क्या कहा है? माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सबो तुम ना ये बाल लगवा लो, ये बड़े वाले लगवा लो, ये बाल लगवा लो बड़े वाले। कौन से? ये ये आप मुझे कंफर्म बताओ। हाँ। मुझे लेके जाओगे? जी जी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। पिछली माह रमजान ईद पे भी आपने ऐसे कहा था लेके जाऊंगा, फिर नहीं लेके गया था। कंफर्म बता दो, अगर लेके जाओ फिर भी बता दो, अगर ना लेके जाओ फिर भी बता दो। सर जी पहले बात तो ये है कि ज्यादा ना पिटवाया करो, ठीक है जी। एक बात एक टाइम हो जाती है ना, आपका जो मियां साहब है ना वो जो बात करता है वो मिसाल के तौर पे वो लूहे की लकीर होती है। ठीक हो गया, मैंने आपको कह दिया ना, तो जो कुछ मर्जी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, तुझे जो मैंने वादा किया इंशाल्लाह वो पूरा करूंगा बस। ये बार बार अच्छा यही दी आदत है ना जेरी, ये एक मिसाल के तौर पे सर्फ लेना है ना, शाम को कहेगी वो सर्फ लेना है, सुबह ऐसे उठाएगी अहमद उठो हाथ मुंह धो यार सर्फ लेना है, फिर वो कहेगी कि यार वो हाँ नहीं 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 इस पे नहीं कहती, बल्कि सामान तो लिखवाती नहीं है ना, डॉक्टर के पास जाना हो, दवाई लेने जाना हो, या मतलब के शॉपिंग करनी जाना हो, ये दिन में तकरीबन 80 बार पूछती है। मैंने अंदाजा लगाया 80 बार पूछेगी जाना है नहीं जाना। मजाक कर रहे हो सीरियस है? मजाक कर रहे हो यार, सीरियस है जो लो। सीरियस है वो, सीरियस ही लो ना। अच्छा यार जो ला पर काम कर, देखो जिथा आग से घेंजुल सा उठा माशाल्लाह, तू अपनी VIP सरप्राइज, कोई ईद का सूट घिनना है वो घिनी, कोई बी जुत्ती घिननी है वो घिन घिनी, कोई फिशल, कोई अपना मेकअप, कोई बाल बनवाने हूँ कुछ, यार टेंशन ना ले तो अल्लाह दी बंदी, यही तो खुशी का मौका होता है। मैं आपको खुशियाँ ना दूँ फिर मैं किसको दूंगा, मेरा इस दुनिया में जीने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फिर तो मुझे जीने का हक ही नहीं है इस दुनिया में। अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हाँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे जीने का हक है, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह चांद रात। अच्छा यार वो चांद रात से मुझे याद आया, तो आप सब क्या सोचते हैं, मैं मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है इंशाल्लाह ना 30 रोजे, कल भी रोजा रखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो दर्जियों का भी ज्यादा फायदा होगा, जिन बिचारों के पास बहुत कपड़े बचे हुए हैं वो भी सी लेंगे, लेकिन जो बैठे हैं ना उधर कैमरा उठा के वो और कुछ जो है ना, ओ यार जद्दार बुले से ना, बड़ा अजीब बुले से, बेहतरीन बुले से, टेस्टी तो नमकीन बुले से, जो चीज वह यार नजर आएगा तो बोलेंगे ना, अगर वो करवाएंगे वही गुनाहगार होंगे, हम तो नहीं होंगे ना। ठीक है ऐलान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम रोजा रखेंगे बस। यही तो मैं बोल रही हूँ, निकलो बाहर, बाहर निकलो। अरे हर चीज का एक तरीका होता है, अभी जो आपने कहा निकलो बाहर, एक ऐसा भी बोल सकती थी, अहमद बाहर, अहमद बाहर आओ दरवाजा दे लूं, अहमद ऐसे भी बोल सकती। वाह यार त्रुट्टा खड़ा रहते, क्या अखी मरे ना खड़े। अच्छा आ जाओ ना,
प्यार ना लियो किसी का। चलो अब कहाँ जाना, जिदे मर्जी जावा, जहां जावा भी तू ठेकेदार। घर नहीं गए, चले जाएंगे ईद वाले दिन। जोल अभी जोल जोल अपना काम कर। वे वे एक हैदर इत्थे खड़ा है, एक ए पे वे महियुद्दीन वाला। ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो, तबीयत कैसी है? आपकी अम्मी उठ गई है, बाबा सुता पे। हाँ? आपकी मम्मा क्या कर रही है? ईद मनाओगे तुम? हाँ। कितने पैसे लोगे? बहुत सारे। बहुत सारे? न्यू कपड़े पहनोगे? हाँ। न्यू जूती पहनोगे? हाँ। सही है। अब मैं नवी पाऊंगा। नवी पाओगे? हाँ। नखरे दिखा, छोड़ो दिखाओ नखरे। वो नहीं दिखाता, आप दिखाओ नखरे। ऐसे ऐसे दिखाओ। तो जी सारे शहजादे जो है ना नहा रहे हैं, हसन जाने भी और बेबो जाने भी, माशाल्लाह। अभी जी मैं आ गया हूँ माशाल्लाह से अम्मी जान के रूम में, और अम्मी जान ओ हो उठी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान मुझे ये बताओ कि आपकी ईद की जूती लेनी है? नहीं। क्यों? मां जूती नहीं लेने। क्या लेना है? कुछ नहीं लेना। बता दो ना, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इनसे। हाँ है जूते। न्यू है? हाँ न्यू है। पहनी नहीं है पहले? नहीं। ये बता है क्या है, हर चीज ना डिटेल से बतानी पड़ती है, क्योंकि फिर कहते हैं जी आपने जूती नहीं ली, आपने फला चीज नहीं ली, इस तरह उस तरह होता रहता है, आपको पता तो है ना। फिर वो जो है ना अहमद को पड़ती हैं गालियाँ। बाकी ये है कि मैं गालियों की वजह से आपसे नहीं पूछ रहा। आपको पता है जब ईद आती है कपड़े जूतियाँ ये तो सबकी न्यू होती है ना। तो अभी कपड़े आपने माशाल्लाह 2 सूट सिलवाए हैं या नहीं सिलवाए? एक सिलवाया है? एक सिलवाया है। अच्छा, एक सूट सिलवाया है। उसके बाद अम्मी जान के पास ये न्यू जूती रखी है, जो अम्मी जान कह रही है कि मैंने कभी भी नहीं पहनी। ठीक हो गया, तो न्यू रखी है। ठीक हो गया बस। और अब्बू जान भी न्यू रखी है, उसकी भी न्यू है। महियुद्दीन लेके आया था। ठीक हो गया, गुड हो गया। चले जो सूट हम ले आए थे उसको चेंज करवाना है। हाँ ठीक हो गया, बा आज मैं जाऊंगा ना तो मैं चेंज करवा के लाऊंगा। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। अम्मी जान ने न्यू ईद के सूट तो सिलवा लिए, लेकिन जो हमने अम्मी जान को सूट दिया था ना, उसके ना जब हमने यहाँ पर आके खोला ना, उस टाइम हमें नजर नहीं आया। जब हमने यहाँ पे खोला तो वो सूट ना अंदर अंदर से ना कटा हुआ था, मतलब कि जैसे चूहे वगैरह जो है ना वो काट जाते हैं, तो वो वाला जेड़ी चीज भी होती है रब जाने हुण केड़ी चीज ने काटा, अब हमें तो नहीं पता ना। तो वो जो है ना अभी हमने एक्सचेंज करवाना है, वो जाएंगे फिर चेंज करवा के ना। सही हो गया? सही हो गया। गाड़ी में अम्मी कहते रख दो, कहीं ये दिमाग का भोला भूल ना जाए। अच्छा मेरे सूट दिखाओ जड़े प्रेस किते, कितने हैं? इतने ही खड़े हैं। हाय ये देखिए अलमारी में अहमद खड़ा है, इतनी प्यारा प्यारा खड़ा है। अम्मी जान जो प्यारा सूट है ना, उसके बारे में ना सब कह रहे हैं कि वो वाला सूट सही नहीं है, वो वाला सूट सही नहीं है, जबकि अम्मी जान जब देखेगी ना कहेगी अहमद बेटा ये बिल्कुल सही है, ये सूट आप ये सही नहीं है, सही नहीं है। नहीं। आप इसे हाथ तो लगाओ कपड़े को अम्मी जान। और ये सूट मैं आपको बताऊं तकरीबन ये 1 महीना भी इंसान पहने पता नहीं लगेगा मैला हुआ है या नहीं। ऐसे है ना? हाँ बेहतरीन सूट है ये, प्रेस हुआ है। अभी देखें पीछे से देखें, आगे से देखें, जहाँ दिल करे वहां से देखें, फिर भी बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह। लेकिन सब कहते हैं नरम नरम है ना, देखें अच्छे वाला है। ये जी हो गया ऐसे, उसके बाद ना
ये वाला सूट अम्मी जान, मैंने जूती ली है इसके साथ की, ये देखो ये सूट ना बहुत प्यारा। हाँ जी, फुल लोबा करंटी काटा, मोटे काटा, सही हो गया। उसके बाद जी ये वाला सूट, हाय मैं सदके थी। जब ये सूट देखती हूँ ना, मुझे मुख्तलिफ भाई याद आते हैं। हाँ, उसका ऐसा कलर था ना, बिल्कुल सेम था हमारी शादी का कपड़ा। लेकिन ये क्यों आपके यहाँ हुआ? चलें जी, ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सबको दिखाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मिस्त्रियों के लिए चाय तो बना दे। मिस्त्रियों की चाय बन रही है बेटा, मैंने अब बन गई है तो डाल दो थर्मास में, तो उसके बाद ना वो ले जाए। काम हो गया, आपको बुला रहे हैं। किसका? प्लम्बर का, मुकम्मल टूटियां भी लग गई और चीज घर कम्प्लीट हो गया। बेसन लगना और ले पोशन का ना, वो कह रहे हैं वो जो नलके वाला खुड्डा है छुरा, वो बना लेंगे फिर हम लगा लेंगे आपको। अब भाई हम अगर फिट कर देंगे बाद में आपको मसला होगा। अच्छा, वो आपको बुला रहे हैं, कहते हैं आप देखो काम बताओ। चलो ठीक है, मैं जी अभी चलता हूँ न्यू वाले घर, और न्यू वाले घर जाके ना काम खुद भी देखता हूँ, आप सबको भी दिखाता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से काम जो है ना वो हो गया है कंप्लीट, न्यू घर का काम हो चुका है कंप्लीट। तो अभी जाके ना इंशाल्लाह दिखाते हैं, आप सब ने साथ रहना है। अभी जो है ना माशाल्लाह से नलका लग गया, और उसके बाद ये देखें अभी इसका जो खुर्रा है ना वो बन रहा है, यहाँ से जो है पानी जाएगा अंदर, एक टूटी यहाँ पे, एक टूटी वहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना मोटर अटैच करेंगे, यहाँ पे जो है ना बेसन लगेगा। उसके बाद आज वॉशरूम का फर्श भी कंप्लीट, इसको अभी जो है ना वो लगाना है, सीमेंट पलस्तर करना है, बाकी जो है ना वो कंप्लीट है। यहाँ पे टूटी लगनी है, वहाँ पे भी लगनी है। उसके बाद जी बैठक जो है ना वो भी कंप्लीट है, ये देखें बैठक भी जो है ना वो पलस्तर हो चुकी है, गुड। और पाइप वगैरह जो है ना इसके डाल चुके हैं किचन के, ये सारे नीचे पानी आने की भी लाइन डाल चुकी है, वापसी जाने की भी लाइन यहाँ पे डाल चुकी है, यहाँ पे होदी बनाई गई है और ऐसे जाएगा पाइप वापसी। उसके बाद मैं अभी दूसरे पोर्शन का आपको दिखाता हूँ काम। ये यूनियन वगैरह लग रहे हैं। ओए होए होए होए, ये देखें जी जो गली है ना वो ओके है। यहाँ पे जो है ना ये सेटिंग करके यहाँ इसका ऊपर ना हम ढकना बनाएंगे, ठीक है, ढकना बनाएंगे, उसके बाद ये ओके हो जाएगा, ताकि कल को कोई कचरा वगैरह या बंद होता है बंदा यहाँ से देख लेता है, अगर यहाँ से पैप ठीक है फिर यहाँ से देख लेता है, मतलब कल को पूरा फर्श नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये देखें ये आ रहा है पानी, तो सारे ना होदियाँ वगैरह हमने ना चेक कर बनवा ली हैं ताकि कल को मसला ना हो। उसके बाद इस पोर्शन का जो काम अभी कंप्लीट हुआ है वो ये हुआ है। अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ जी किचन में, ये देखें जी किचन में जो है ना ये देखें टूटी लगी हुई है, चलाते हैं चलती भी है या नहीं। वाओ वेरी गुड, चल रही है जी, ये टूटी आ गई, और नीचे जो है ना वो देखें पैप लगा हुआ है, पानी जो है ना वो नीचे जा रहा है। उसके बाद अभी आ जाते हैं जी बाहर, ओ बेसन भी लग गया, ये देखें सामने, हाय 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 हाय, ये लग गया जी बेसन हाथ मुँह धोने के लिए, वाह ज़बरदस्त। और यहाँ पे जी बर्तन धोने के लिए टूटी, वाह ज़बरदस्त। यहाँ पे जी वाल सहन में पानी शानी लगाने के लिए या भरने के लिए, वहाँ पे यहाँ पे मोटर वगैरह फिट हो गई है, ऊपर एक टैंकी से पानी जो फुल होगी वो नीचे आएगा, एक से जो है ना वो ऊपर जाएगा, नलका कंप्लीट, ये काम ओके। उसके बाद अभी वॉशरूम में देखते हैं, ओहो हो टूटी भी लगी हुई है, चलें जी सब हो गया जी गुड। यही मैं बोल रहा था कि दोनों पोर्शन का काम जो है ना वो कम्प्लीट है, अब बस ऐसे समझ लें कि थोड़ा सा काम है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गुड, फिर इसके इंशाल्लाह सारे घरों को धोएंगे, धो के उसमें फिर जो है ना इंशाल्लाह कुरान खानी करवाएंगे, खैरात करेंगे, तो इंशाल्लाह सबको यहाँ पे बिठा के खिलाएंगे, उसके बाद फिर शिफ्टेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे घर की सफाई जो है ना वो हो चुकी है। यहाँ पे देखे और छत पंखे टोटल जो है ना इधर ये देखे। हाय हाय हाय, वही मेरा सोना बढ़िया बती हसन, वे सोने बन गए हो हसन। रुको रुको रुको, इधर बात सुनो, इधर बात सुनो, इधर बात सुनो। बाय बाय करो सबको, बाय बाय बोलो। हाँ हसन, अम्मी के पास चला गया सब। इसको मैंने कहा जूती ले आओ, आपको जूता पहना। अच्छा अभी अभी मैं वापस आया तो फिर जो है ना वो मिस्त्री फोन कर रहे हैं कि अहमद इधर आओ, थोड़ा सा काम है। ये इनको है क्या? वो थोड़ा सा काम है कहते हैं, वो कहते बताना भी किसी को नहीं, और आ जाओ। पता तो चल जाता है, ऐसे मेरी जेब में ना झटका सा लगा, जैसे उन्होंने कहा है मैं थोड़ा सा आ जाओ, मेरी जेब को ना झटका सा लग गया। अंदर अभी कोई नहीं है, पंखा बंद कर दो। बड़ी चला के मिली ये, यहाँ पे सेटिंग कर दी यार। इधर बड़े सूफे रखे होते थे। अच्छा सूफे अंदर है ना? चलो सही है, सेटिंग बिल्कुल ओके, अब कुछ भी नहीं कहना। अच्छा ठीक है सब। हाँ टाइम नहीं है, आपने भी कुछ भी नहीं कहना, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहता ना, आप नहीं, मेरे बारे कुछ भी नहीं कहना और अपने बारे सब कुछ कहोगी। और शाम को कुछ पैसे शैसे भी निकलवा के आना हो सके तो। अच्छा हाँ। मेरी जिंदा जरूर। अच्छा मैं कहता ना नहीं, रोने रोने वाली शक्ल में दे दिया, तुम्हें आंसू आने वाले थे। रोने वाली कहा था ना आपको ईद वाले दिन सरप्राइज दूंगा। हाँ जी, मैंने अभी अभी आपको बात की है ना, ये अभी आपके सामने इसने पूछा है दूसरी बार, बल्कि तीसरी बार। अभी सफर करें पूरे व्लॉग में ये 20 से 30 बार पूछेगी, हाँ अहमद जाएंगे शाम को, जाएंगे शाम। इसकी ऐसी आदत है। तसल्ली कर रही हूँ, मैंने कहा अगर ना जाओ तो मैं अपने सर पे मेहंदी लगा लूँ। अच्छा हाँ, नहीं नहीं जाएंगे, पैसे जाए कर बैठो और उधर आप जाना। नहीं नहीं, नहीं जैसे आप बनवाओ, जैसे अभी कहती हो फ्री होके ना, फिर शाम को आज बनवा आएंगे। हाँ, ऐसे आज बनवा लें, फिर कल तो रश होगा, टाइम नहीं मिलेगा। यही तो मैं सोच रही हूँ ना, शाम को चलेंगे, जो मुझे शॉपिंग करवानी है वो भी करवा देना, बाल भी बनवा देना, ठीक होगी, और फेशियल भी करवा देंगे आप भी, मैं भी। ओके हो गया, मैं तो मेरा काम वो अलहदा है, आपका लेडीज करेंगे, मेरा मर्दावे जाएंगे ना। मैं मुझे लेडीज में छोड़ के आप चले जाना, ठीक है? आप अपना करवाना, मैं अपना, ठीक हो गया जी, हाजिर हाजिर। और बच्चों को? बच्चों को क्या करवाना यार, पता नहीं, बच्चे घर छोड़ के पता है आपको? उसने अभी क्या कहा है? उसने कहा मैंने भी बाल कट करवाने हैं। अच्छा आपने बाल बनवाने हैं? वो दीदी आपने कटिंग करवानी है? बाल कैसे बनवाने हैं? कहाँ है बाल? ये वाली सेटिंग करवानी है? अच्छो चलें जी हस। ओए होए होए, ये हसन जानी ने किया? हाय अल्लाह हसन, हसन ख्याल किता कर यार, ये सारी रोटी गिरा दी आपने। चले जी अभी फिर मिस्त्री के पास चलते हैं। नहीं लगता, धिक्का धिक्का लगाओ, धिक्का लगाओ। हसन जाने धिक्का लगा के जा रहा है जी, और अम्मी जहाँ रोटियां सट के आ गई है कुकड़ियों को, मुर्गियों मुर्गियों को गालियां दे रही थी। खैर है, भात रखे वो बर्फा पानी का सारा चढ़ा जाने लात लेते रहो सारा बीता। सबो गर्मियां आ गई है ना सबो जी। ये लो ईद का सरप्राइज, आपने कहा था ना ईद ईद से पहले एक दिन पहले सरप्राइज दूंगा, ये लो आपका सरप्राइज, पूरे 2 किलो प्याज ले आया। ये तो नहीं था। हाँ और केड़ा? हाँ आपने ये नहीं बताया था, ये पकड़ो, गर्म तो नहीं है ये वाला? नहीं ये अच्छा प्याज, ये ना सेटिंग, क्योंकि ईद आ रही है ना आगे, तो आज गोश्त वगैरह भी लेना है, बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे घर में बड़े गोश्त की, कलेजी की कढ़ाई, बड़े गोश्त की कढ़ाई, और इस तरह वो मैंने वाइट कढ़ाई बनानी है। अच्छा हाँ। बाजी चली गई या है? वो चली गई, तो इधर ये नहीं लगाया पोचा, ये देखो वो लाइट नहीं है, वो लाइट पोचा लाइट पे लगता है क्या? हाँ तो पंखा चलेगा ना, अभी कपड़े धोने हैं, मशीन भरी खड़ी है। हाँ तो यू प्लेटें तो चल रही हैं।
फर्श की सफाई करेंगे। अच्छा हाँ। और ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चुप क्यों थे ये वाला? ये देसी प्याज है सबो। ये रुलाते भी बहुत है। अल्लाह करे ना रुलाए। ठीक है इंशाल्लाह। ओ बाटी दही चलो भी चले उधर। अभी जो है ना चलते हैं जी सबा के अम्मी अबू के घर, वहाँ पे जो है ना वो कुछ बातचीत करनी है घर के हवाले से, मकानों के हवाले से, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या बात करनी है, है? मैंने कहा दिखाएंगे क्या बात करनी है। बोर्ड ही पता नहीं क्या। किधर जा रहे हो? उधर किधर जा रहे हो? इधर देखो, इधर इधर नाने के घर, नाने के घर जा रहे हो? हाँ ये फितराने के पैसे हैं। अभी जैन जाएगा ना उसको पर्ची बना के देंगे, नाम लिख देंगे ना जिस जिसको वहाँ पे देना है, जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं। अजीम मामी जान ले तो जाती है, फिर उसको उधर भी ज़्यादा मिलते हैं, वो ले जाती है, हमारे से पहले भी ले गई है ना, तो ये जिनको नहीं मिला ये अब उनको देंगे ना ज़कात फितराना। खाली नहीं, वैसे दे देंगे, मैं दे दूंगा ऐसे 200-400-500 दे दूंगा बस, ऐसे तो सब उनको दे ही देते हैं ना, जब आती है तो खाली तो नहीं भेजते ना, वो तो दे देते हैं सब। बाकी आगे आपकी मर्जी, अबू ने अबू जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे फिर। आप इधर खेलते हो, चलो आप ना जाओ इधर रहो। हाँ ये नहीं 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 प्रेडर नहीं लेके, उधर जगह ही नहीं है, सारा उधर ईटे हैं, सारा खराब है, गलियां देखा है सारी गप है, गट्टर खुले हुए हैं। अल्लाह के बंदे मैं समझाऊं, लेके जाना है? बताओ बताओ बताओ, लेके जाना है? हाँ प्रेडर लेके जाना है या इधर खड़ा करना है, दसो बताओ। बाबा नहीं लेके जाना, बताओ अब लेके जाना या नहीं? आप चुप हो गई? अल्लाह के बंदे चलो चलो जी चलना। ओ हसन को देखो, उसको पता जा रही हूँ बस। कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हैं? नहीं जा रहे, इसकी अपनी बात है। आओ चले जी, चलो आओ। किधर जा रहे हो? पानी किधर? नहीं पता क्या कहता, कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। हाँ भी मुंशी का क्लास फैलो, ओए क्लास फैलो मेरी जिंद, एक खड़ी नमकीन खोती, बेहतरीन तो लाजवाब खोती। नहीं उसको पता होता है किधर ही होते हैं, लेकिन वो ना सोए हुए होंगे, जब हम सोए होते हैं वो आ जाते हैं उठ के, जब हम जाते हैं तो ये खुद सोए हुए होते हैं। क्यों तेरे को तो खैर होश कहना उसी इवें ना हे जीने जहान का कोई होश सवर पाती थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक तबीयत से? ठीक है माशाल्लाह। वो कहता उठो चलो घूमो फिरो, हमारे पास नहीं है इतना टाइम। कहाँ जाते हो? दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं। चुप आ जा, कहाँ जाते हो? अच्छा और सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, ठीक है बच्चे सब ठीक है। ये तो गुस्से हो गया है, हम काम आए थे आप लोग के पास। कौन सा काम? आपने नहीं कहा। मैंने तो कोई नहीं कहा, खरीयत है ऐसे ही छोड़ देती हो, काम आए थे। आपने तो कहा बात करनी है कुछ, फिर मुझे क्यों कह रहे हो? हाँ तो मेरा काम था उससे, वो अभी सोया हुआ है।
तो उसको सोने दो, बस जगाना नहीं, क्योंकि रात को सोता नहीं है ना, टेप टेप करता है। माया जिसको कहा है, मैंने कहा बस ईद के आज आपको जाना है, कल का दिन होगा। हाँ, तो बच्चों के कपड़े वगैरह जो है ना दर्जी के पास पड़े हैं, वो भी लेने हैं। मैं कल ले आया हूँ, दर्जी के पास पड़े थे। अच्छा, कल मैं ले आया हूँ, जो इसके साथ मैंने सूट दिए थे वो मैं अपने ले आया हूँ सिलाई करवा के। वो कहते ताहिर उधर खड़ा है, ले आएगा। मैंने कहा आप जाना जल्दी सो जाओ, नींद करके फिर जाना जल्दी चले जाएंगे उधर कपड़े उठाने के लिए। अच्छा, कोई पता नहीं आज इलाज भी हो जाए, सुबह ईद भी हो, कोई पता नहीं है। ये जो दिन होता है ना, ये ऐसे होता है, पता नहीं चलता। या सुबह ईद होगी या रोजा भी, अल्लाह करे रोजा हो तो एक 30 रोजे पूरे। सुबह ही वाले भाई कहते हैं, वो कहते हैं जो आज जो हमारे पास अभी रोजा है, कल आपके पास रोजा होगा तो उधर ईद। सऊदी में तो आज 30वां रोजा है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि दुबई वाले कहते हैं, ये दुबई वालों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि चांद नजर आ जाना या नहीं। वो ये है कि रात अभी वो जो हमारे देखने वाले होते हैं वो कह रहे थे इम्कान है तकरीबन चांद नजर आने के, मौसम भी साफ शिफाफ है, तो उन्होंने कहा नजर आने के चांसेस हैं। पहले भी सऊदी अरब के इकट्ठे हमने ईद अदा की है, तो आज सऊदी अरब में रोजा है ना, 30वां रोजा है, कल उनकी ईद है, तो क्या पता आज हमारा चांद नजर आ गया, कल उनके साथ हमारी ईद हो। ये नहीं हो सकता, ये कोई पता नहीं है, ये तो देखे हैं, ये अल्लाह पाक के काम है। नजर आ गया तो ईद होगी, ईद का चांद, ईद का चांद। फिर सब लोग रमजान को छोड़ के ना सब कहेंगे ईद आ गई, ओ मेरा यार नहीं आया। सबके जो है ना यही लगे होते हैं। चलें जुल्लू, हाँ आ जाओ, आना। वो घर के काम शाम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जी, पानी वाली टूटियाँ, बेसन, टैंकियाँ, मोटरां, सारिया चीज़ें ना, पिछला पोर्शन तो बिल्कुल कंप्लीट। अब जो अगला पोर्शन है वो भी जो है ना वो कंप्लीट होने वाला तकरीबन। और अभी आया था पेंट वाला, कलर करने वाला, मैंने कहा इसको ना जैसे असलम भाई का नहीं वाइट हाउस, ऐसे वाइट हाउस बनाना है मैंने कहा, तो उसने कहा चलें बना देंगे वो ईद के बाद तकरीबन। हाँ, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा हुआ है ना, प्लस्तर गीला गीला है, ये ख़राब नहीं होगा, पेंट अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ पेंट करवा दूँ, क्योंकि तकरीबन 3000 की बोरी मिलती है, 4-5 बोरियाँ लगेंगी, 15-20 हज़ार, तो 5000 वो ले लें, 7000 तो 20-25 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, लेकिन घर इंशाल्लाह ऐसे लगेगा ना कि वाकई न्यू बना हुआ है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ काम एक बार होता है ना, तसल्ली से चलो हो जाए, उसके बाद आप शिफ्ट हो ना वो फिर ज्यादा। अभी फिर शिफ्ट हूँ, फिर पेंट वाला आ जाए, फिर कोई और आ जाए, इस तरह फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, जब आप शिफ्ट हो फिर सब कहें तो सही, किसी घर में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, ये चीज है। गली कैसे लग रही थी फिर? वो अपनी कार्रवाई को लग गए जी माशाल्लाह। ये कच्चा घर है ना, इसलिए ये अपने काम को लग जाते हैं। उठो हसन जुल्लू, चलो घर जुलो, आ जाओ, रखो चिमचे, उठो। ओ हेलो, घर घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर घर चलो। कहता क्यों? ओए हम जा रहे हैं हसन, असा मैंने पियो, ए वो देखता तक नहीं है। वो कहते हैं आप कहाँ से आए, आप कौन हो? आते हैं कि नहीं आते? हम जा रहे हैं दोनों, ओ नहीं आएंगे। असा वेने पियो, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। देखते हैं जब वो जाता है तो मैं जाऊंगा, नहीं जी आपका दीदार करने जी। रहमतुल्लाहि व बरकातहु, जन्नत हलाल हो, दोजख हराम हो, ठीक ठाक हो, खरियत है। जब वो पढ़ते हैं तो फिर उधर गौर होती है ना। चला जा 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 जा, टप्पा लगाओ यहाँ पे नीचे, टप्पा लगाओ, टप्पा खाओ, हाँ टप्पा खाओ। इधर तो देखो हंस रहे हो। नहीं नहीं, उधर से चलो, इधर से चलो सीधा, ये सारा
गलियों में पानी छोड़ा हुआ गंदा, उधर से चले जाओ आप। हाँ नीचे तो मैं पैदल जाऊं। नहीं उधर छोड़ देना, वो साफ जगह है, इधर ना छोड़ना। कैसी है ये गली और हवा कैसी है? सब छोड़ो, इतनी ठंडी हवा। अब यहाँ पे चार पाई डाल के ना बंदा सो जाए ना तो उसको होश भी नहीं होगा दुनिया जान का, ना रात को ना दिन को, इतनी ठंडी हवा है। क्योंकि गली इतनी खुली है ना, लंबी है, फिर वो देखो उतने तक है। चलो आगे तो चलो। ओ, मिट्टी में बैठ गया। ओ यार बैठने दो उसको, आ जाते हैं हम, खेलने दो उसको। लतड़े ना करे मिट्टी। अब ये ढकना लगेगा यहाँ पे, ये काटते हैं ना, ये होती हैं वैसे काटेंगे। अच्छा। हाँ इसका कोई मसला नहीं है। ये भी होती है, ये बनेगी, इसके ढकने बनेंगे, उसके भी ढकना बनेगा, उसका भी ढकना बनेगा। ओए ये चीजें मैं दिखा गया हूँ, देखो ना टूटियां बेसन सारी चीजें लग गई हैं। ओ वो हवा से बंद हुआ। बेबो ये किसका घर है, किसको देंगे? नाने अबू वालों को। हाँ ये क्या सही है, किचन ओके है ना? बिल्कुल ओके है, सही है, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इतने कर देते ना क्या ये किचन? हाँ ये बढ़ा देते, बस वो उस टाइम नहीं हुआ। इधर फ्रिज रखेंगे ना अलमारी के साथ, इधर फ्रिज आ जाए, इधर वो आ जाए, नहीं तो बर्तनों वाली अलमारी भी रख सकते हैं अल्लाह की बंदी। हाँ मैंने पूरा साइज बना के रखा था ताकि बर्तनों वाली अलमारी किचन में होगी तो जबरदस्त ताजे बर्तन उठाओ और करो ना करो। बेबो ये वापस करना है बेटा। हाँ ये सारे ना वापस करने, बच गया है सामान। अलमारियां खुली खुली, कमरे खुले खुले, अलग ही बंदी। दो दो टीआर गार्डर, छत्ते वीआईपी। ठंडे वो ये इसलिए है, पता क्यों है? क्योंकि ताजे ताजे अभी बने हैं, ठंडे हैं, उसमें वो हुई है। हाँ उधर तो बिल्कुल इतनी सुकून आ गया ना। आए है। हाँ जी ये सामान बचा हुआ। वापसी करोगे? हाँ वापसी करूंगा। चले माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। इसके खिलौने की चीजें मिल गई। अच्छा मेरी बात सुनो, वो ये सोल्यूशन टेप है, इसको ना करो। नहीं ये खत्म हुई पड़ी है। नहीं अभी बहुत है, ये देख अभी बहुत सारी। ये जो सोल्यूशन वाली है ना ये रख दे, दो वो उठा ले, ठीक है वो खाली है। चलो ये इधर इधर पड़ी हुई थी, ठीक है ये पड़ी रहने दे। बाकी बेसन एक उधर भी तो पड़ा है छत पे, वो लगवा देते ना। कौन सा छत पे पड़ा है? जो अपने पुराने घर वाला था। हाँ वो नहीं लगवाया और न्यू ले लिया, वो भूल गए थे। मैंने मुंशी को बताया था, जैन को भी बताया था, मैंने कहा और नहीं लेना। एक बेसन तो ये लगा हुआ है ना, दूसरा नहीं। बेसन और है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं उस घर में नहीं लगा हुआ, वही वही लगवाएंगे ना। यही तो बोला मैंने, कहा बेसन तो और नहीं पड़ा ना न्यू। मैंने कहा पैसे फिर वो नहीं, सामान पता नहीं। नहीं मेरे ख्याल में उस घर में गया हुआ है वो, उस घर में बेसन। अगर नहीं लगाया तो वो फिर वापस कर दो, हमारे पास एक है तो सही। हाँ वापस भी कर देंगे यार, सही है वो हमारे पास जो है ना वो हम लगा लेंगे। हाँ सही है, चलो कुछ पैसे बच जाएंगे ना, ऐसे फजूल कह सकते हो। चलो हसन आ जाओ। चलो बहुत खेल लिया। थका दे चल चल के ना थक गया। अब ये वाला तकरीबन एक कनाल का प्लाट पड़ा हुआ है, ये भी बराए फरोख्त है, ये भी एक कनाल का पड़ा हुआ है, ये भी बराए फरोख्त है। कोई अगर लेना चाहे ना यहाँ से ले सकता है। हमारी इधर बस्ती में बहुत सारे प्लाट ना बिकने के लिए पड़े हुए हैं, कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जंगल है ना सारा, जंगल में फिर लोग डरते हैं शहर वाले। इतनी स्पीड मार गई हैं और शाला कुछ ना थी भी, मैं कह इतनी स्पीड मार गई मत दिया मैं क्या। धूप है या धूप पे? धूप।
बिजली कह नहीं आई हाले। हसन जाने का ना गिरा ना उसकी बूथी शूथी हाथ शाह पैर शह सारे। अब पानी जा रहा ना बहुत खुश हो गया। आई 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 ओ बस वो सिर बोड़ दिया उसने। अभी तो नहाया आपने। वो पानी वाली मच्छी है जनाब, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे सारा दिन नहाता रहे। और मेरे ख्याल में जैन जो है ना वो वापस आ चुका है और वो कर रहा है तैयारी घर जाने की, जबकि उसको ये नहीं पता कि घर नहीं जाना है अभी। ऐसे ही वो तैयारी कर रहे खुश होके। बेटा ईद के दूसरे दिन इंशाल्लाह। तो ये वाला जो है ना ठीक है, ईद के दूसरे दिन ठीक है। ओके ओके अभी जो है ना ये वाला गुड। अच्छा ये वाला जो पुर्जा पूछ रहे थे ये मच्छरदानी मतलब मच्छरों को ना अंदर कमरे में नहीं आने देता, ये वाला VIP है। चले मजाक कर रहा था। तो अभी जो है ना जैन तैयारी कर रहे, उसको जो है ना मैं बस स्टॉप पे छोड़ के आऊँगा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो ईद कर सके। तो आप सबको भी क्या पता फिर मौका ना मिले, तो आपको एडवांस जो है ना वो ईद की मुबारक हो बहुत ज्यादा। और इस बार जो ईद की हमारी वीडियोस आएंगी ना आप हमेशा याद रखेंगे, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। ला रहमान रहीम ओ माशाल्लाह। हाय 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 हाय। जब इंसान आता है ना अपने बेडरूम में तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जब देखो इस तरह के बेड पे जब माशाल्लाह से सबा बैठती है तो मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है। इतनी मुझे बेड की खुशी नहीं जितनी आपके बेड के ऊपर बैठने की खुशी है। सबो समझा करो हर बात को, आप मेरे लिए कीमती असासा हो। वो क्या होता है? मतलब एक इंसान की जो कीमती चीज होती है, कीमती असासा कहते हैं वो सारा, मतलब आप ही हो। अच्छा हाँ जी हाँ जी ठीक है सबो। अच्छा इसका मतलब मैं कीमती चीज हूँ। जी जी मेरे लिए आज पता चला मुझे। चलो शुक्र है आज पता तो चल गया ना। मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, लेकिन आज पता चल गया कि वाकई मैं कीमती हूँ। चलें जी आप मिलेंगे बेडरूम में अगली वीडियो में। अभी मतलब कि हम बेडरूम से इजाजत चाह रहे हैं। अच्छा मुझे बहुत ज्यादा इसकी याद आ गई, बहुत ज्यादा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। बाय 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 करो हसन।